हेलो फ्रेंड्स, ले आओ मैं न्यू वीडियो। प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, जिससे आप वो वीडियो को देख पाएंगे। दोस्तों, दुनिया में ऐसे बहुत से जीव हैं जिनको हमने अभी तक नहीं देखा, तो आज हम बात करेंगे ऐसे 5 जीवों की। दोस्तों, हम आपको 5 ऐसे सांपों के बारे में बताना चाहेंगे जिनको आपने अभी तक कभी नहीं देखा। स्पाइडर टेल्ड हॉर्न वाइपर। इस सांप का शिकार करने का तरीका बहुत अनोखा है। यह सांप शिकार को अपनी पूंछ से आकर्षित करता है। इसकी पूंछ एक मकड़ी की तरह लगती है। इसके बाद कोई जीव इसके पास आता है, ये उसे अपना शिकार बना लेता है। इस सांप को 1968 में एक वैज्ञानिक अभियान के दौरान वेस्टर्न ईरान में खोजा गया था और इस पकड़े गए पहले सांप को म्यूजियम में रखा गया था। पहले साइंटिस्ट को लगा था इस सांप की पूंछ सोली फूगी मकड़ी के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन कुछ समय बाद साइंटिस्ट को पता चला कि पूंछ पर बनी ये आकृति पैरासाइट की वजह से है। शिकार करते समय यह सांप अपनी पूंछ को हिलाते हैं बिल्कुल किसी मकड़ी की तरह, और इसके अलावा अपनी रंग की वजह से यह आसानी से पत्थरों के बीच छुप जाते हैं। शिकार के पास आते ही इस पर हमला कर देते हैं। रेनबो बोआ। संतरी शरीर पर कारी धारियों वाला सांप एक बार सूरज की रोशनी में आने के बाद बहुत ही कलरफुल हो जाता है। इनकी लाल त्वचा पर सूरज की किरणें पड़ते ही वह रिफ्लेक्ट होती हैं, और यह सांप रंग बिरंगे दिखाई देते हैं, जिस वजह से इस सांप को रेनबो बोआ कहा जाता है। साउथ अमेरिका जंगल इन सांपों का घर है, और ये सांप 6.5 फीट लंबे भी हो सकते हैं, जो छोटे जीवों को ये अपना शिकार बनाते हैं। यह सांप शिकार को पूरी तरह जकड़ लेते हैं और दम घुटने से उस जीव की मौत हो जाती है। उसके बाद ये शिकार को निगल जाते हैं। स्पाइनी बुश वाइपर। दोस्तों, क्या आपको ड्रैगन पसंद है? क्योंकि स्पाइनी बुश वाइपर सांप और ड्रैगन का रूप है, क्योंकि इस सांप की पीठ भी एक ड्रैगन की तरह है। यह सांप सेंट्रल अफ्रीका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं, जो सूखी पत्तियों और टहनियों के बीच धूप सेके देखे जा सकते हैं। इस प्रजातियों के सांपों का रंग अलग अलग हो सकता है, ब्लू, ब्राउन और ग्रीन रंग के भी हो सकते हैं। यह सांप छोटे जीव और छिपकलियों का शिकार करते हैं। यह सांप शिकार करने के लिए अपनी पूंछ को टहनियों पर जकड़ लेते हैं और मौका मिलते ही शिकार पर हमला कर देते हैं। और इसके अलावा ये सांप अगर इंसान को काट ले तो उसे तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। बारबाडोस थ्रेड स्नेक। यह दुनिया का सबसे छोटा साइज का सांप है, जो बारबाडोस के कैरिबियन जंगलों में पाया जाता है और डायमीटर में केवल 0.95 इंचेस का होता है। इस सांप को पहली बार स्टीफन ब्लेयर हेडजेस ने खोजा था, जिन्होंने अपनी बीवी कैरला के नाम पर जीव का साइंटिफिक नाम लेप्टोफेलोप्स कार्ले रखा था। स्टीफन के मुताबिक यह सांप नूडल्स की तरह दिखते हैं, और अपने छोटे साइज की वजह से यह सांप छोटे कीड़ी या दीमक का शिकार करते हैं। पैराडाइज फ्लाइंग स्नेक। इस स्नेक की उड़ने की काबिलियत वजह से इसे फ्लाइंग स्नेक कहा जाता है, जो हवा में तैरते देखे जा सकते हैं। और ये सांप ऐसा दूसरे पेड़ पर छलांग लगाने के लिए करते हैं। ये सांप छलांग लगाने से पहले अपने शरीर को जे आकृति में मोड़ लेते हैं और छलांग लगाते ही अपने शरीर को फैला लेते हैं, जिससे ये कुछ दूरी को हवा में पार कर लेते हैं। और ये उड़ते हुए अपनी पूंछ के सहारे अपनी पूंछ से दिशा भी बदल सकते हैं। और ये सांप साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। इनका जहर इंसान के लिए खतरनाक नहीं होता। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब।